चलिए क्या देख रहे थे हम लोग सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना भारतीय संविधान के स्रोत सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए थे जी ब्रिटेन अमेरिका आयरलैंड कनाडा कनाडा तक हो गया था ठीक चलिए तो हम लोग को देखना था कनाडा से आगे कनाडा में क्या क्या लिख लिए थे कोई बता सकता है ठीक तो देख लिए थे कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है ठीक है कनाडा से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है ये हम लोग देख लिए थे हम लोग को उसके आगे देखना है ठीक है आगे लिखिए ऑस्ट्रेलिया 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 से हमने क्या लिया था तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था समवर्ती सूची है ना समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची ठीक है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट हमने कहास्ट्रेलिया से लिया था ऑस्ट्रेलिया से लिया था समवर्ती सूची कल हमने आपको बताया था कि सूची तीन तरह का होता है एक राज्य सूची एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची तो राज्य सूची और संघ सूची ये भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ से लिया गया है लेकिन जो समवर्ती सूची है जिसमें हमने कहा था कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है लेकिन यदि विवाद हो जाएगा तो विवाद की स्थिति में माना जाएगा केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ठीक है तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है तो समवर्ती सूची हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से ठीक है इसको बोलते हैं सूची इसके अलावे दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कंबाइंड सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दोनों सदनों का संयुक्त सत्र या संसद का संयुक्त सत्र संसद का संयुक्त सत्र तो संसद का संयुक्त सत्र समझते हैं जैसे संसद में मैंने बताया था ना संसद में दो हाउस है लोकसभा राज्यसभा दोनों का अपना अलग अलग अपना ये कानून पास करते हैं लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी विषय पर आपस में इनका विवाद हो गया लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा संयुक्त तो सत्र बुलाया जाएगा मान लीजिए है एगो एगो ए है 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 बी दोनों आपस में लड़ ना मतलब लो दूगो भाई है दोनों आपस में लड़ गया तो लड़ गया तो माता पिता क्या करते हैं जी दोनों को साथ बैठाते हैं और दोनों को साथ बैठा के कहते हैं कि भाई क्या दिक्कत है है ना कहे तुम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं आपस में क्या लड़ रहा है है ना फिर दोनों में क्या करते हैं

तो सेंट्रल हॉल में ही संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो संयुक्त सत्र कहां से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ठीक है राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त सत्र पूछा जा सकता है आपसे संयुक्त सत्र कौन बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा उपाध्यक्ष अगर नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा सभापति नहीं करता है क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है इसलिए अध्यक्षता उसको नहीं दी जाती है क्लियर है ये और में तो बताएंगे जब संसद पढ़ाएंगे तो ये तो संसद का चैप्टर है फिलहाल तो अभी यहां पे यही देख रहे हैं कि कहां से क्या लिया गया है मतलब मान के चले कि एक प्रकार का भी ट्रेलर है फिल्म तो आगे चलेगी है ना ये तो अभी बस पोस्टर लग रहा है पोस्टर में समझ लीजिए क्या क्या मामले हैं है ना पोस्टर का विस्तार आगे जाएंगे तो होगा ठीक है फिलहाल यहां इतना ध्यान रखिए कि संसद का संयुक्त सत्र कहां से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ठीक है आपका आज फर्स्ट क्लास है ना समझ में आएगी बात आ रही है ना नहीं आएगा तो बताइएगा ठीक है किसी को भी कहीं कोई बात अगर ना समझ में आए तो आप जरूर रोक लीजिएगा ठीक है क्योंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी यहां से अंडरस्टूड करके जाना चलिए नेक्स्ट <coughs> क्या लिया गया यहां से तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता <coughs> व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ठीक है इंडिपेंडेंसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जिस जो रूल्स रेगुलेशन ट्रेड एंड कॉमर्स के हमारे बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमने कहां से लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है ठीक है साथ ही प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा ध्यान रखेंगे प्रस्तावना की भाषा हमने यहीं से लिया ठीक है अब देखिए कि ये सारी चीजें जो हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं जी नहीं मूल भाषा तो उसकी इंग्लिश थी हमने उसको ट्रांसलेट करके लिया है ठीक है और फिर आ, हमारे पास दोनों ही भाषा में अवेलेबल है हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है ठीक है चलिए तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है नेक्स्ट लिखेंगे रसिया रसिया का संविधान यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रसिया का संविधान तो रसिया के संविधान से हमने क्या लिया है मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य रसिया के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य ठीक है फंडामेंटल ड्यूटी रसिया ने मूल कर्तव्य अपने देश में कहां से लिया है रसिया ने अपने देश में मूल कर्तव्य लिया था जापान से ध्यान रखेंगे रसिया ने जापान से लिया था और रसिया से हमने लिया ठीक है और यह भी ध्यान रहे कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था 26 नवंबर 1949 को जो हमने संविधान अपनाया या 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था मूल कर्तव्य बाद में ऐड किया गया बाद में जोड़ा गया ठीक है तो आपको ध्यान रखना है मूल कर्तव्य बाद में था डुवासवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस छिहत्तर के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उनके समय में ठीक है क्लियर है तो मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय जस्टिस इन प्रियम्बल प्रस्तावना में न्याय प्रस्तावना में न्याय तो प्रस्तावना में न्याय देखिए जब आप पेम्बल पढ़ते हैं तो उसमें जस्टिस की बात होती है और न्याय तीन तरह का होता है जी। कौन कौन सा सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय ठीक है ओके तो सोशल जस्टिस इकोनॉमिकल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस ऑल आर जस्टिस टेकन फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन है ना उस समय यूएसएसआर ही हुआ करता था जब हमारा संविधान बना था, था। तब तब सोवियत संघ ही हुआ करता था वर्तमान में रूस है तो रूस से हमने ये न्याय लिया है सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय ठीक है नेक्स्ट फ्रांस 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 से हमने क्या लिया है फ्रांस फ्रांस से हमने लिया है भारत का गणतांत्रिक स्वरूप रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ इंडिया भारत हम लोग क्या है गणतंत्र है ना जी बताया था हमने आपको गणतंत्र का मतलब क्या होता है तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है जी शासन का सर्वोच्च पद केवल जनता नहीं कहना है ना शासन का सर्वोच्च पद जहां जनता के द्वारा चुना जाता हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वही गणतंत्र है क्योंकि जनता तो ब्रिटेन में भी चुनती ही है ना लेकिन वो गणतंत्र नहीं है क्योंकि उसका सर्वोच्च पद राजा का है और राजा वंशानुगत है इसलिए ध्यान रखना है कि गणतंत्र तो उसको कहेंगे जहां शासन का सर्वोच्च पद अगर देखना भी है कि कोई देश गणतंत्र है कि नहीं तो क्या देखेंगे उस देश का सबसे बड़ा पद का क्या स्थिति है अगर उस देश का सबसे बड़ा पद जनता चुन रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो रिपब्लिक होगा और भले उसके हाथ चुने हुए लोग हैं लेकिन सबसे बड़ा पद राजा का पद है तो फिर वो गणतांत्रिक नहीं होगा ठीक है तो फ्रांस में क्या फ्रांस में राष्ट्रपति चुना जाता है तो फ्रांस ही हम गणतांत्रिक स्वरूप लिए हैं फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है अभी इमेनुअल मैक्रोन, ठीक है गणतंत्र ठीक है तो फ्रांस हमने लिया है गणतंत्र, ठीक है? है? इसके अलावे फ्रांस हमने क्या लिया है? तो इसके अलावा फ्रांस हमने लिया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व है ना प्रियम्बल में है ना ये न्याय का कंसेप्ट तो हमने रशिया से लिया है लेकिन प्रस्तावना में तीन कंसेप्ट और है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है ना तो ये हमने कहां से लिया हमने फ्रांस से लिया है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व तो ये तीनों ही कंसेप्ट जो है ये हमने कहां से लिया है जी तो ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है ठीक है इंडिपेंडेंसी इक्वेलिटी एंड फर्टेनिटी ऑल आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ओके चलिए आगे जब फंडामेंटल पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे आपको चौदह से अठारह में समानता का अधिकार है तो क्या होता है और कैसे होता है किस प्रकार से होता है फिलहाल यहां इतना समझिए कि ये तीनों कंसेप्ट फ्रांस का कंसेप्ट है है ना ठीक है प्रस्तावना में अगर आपसे पूछा जाए कि समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व तो कहां से लिया गया है तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है ओके नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका का संविधान दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में तमाम संशोधन हो चुके हैं तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है Of तो की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है अंडर आर्टिकल चर्चा है संविधान संशोधन का और ये संविधान के भाग पांच के अंतर्गत पांच में जो शासन का संबंध है इसमें तमाम विधियां बताई गई हैं लेकिन मुख्य तौर पर जो भाग बीस है उस बीस में इसका पूरा विस्तार लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है 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 ना खैर वो बात की बात की इतना समझिए आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन कहां से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ठीक है इसके अलावे संविधान संशोधन के अलावे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन कहां, मनो मनो कहां से लिया गया है जी मनोनयन पढ़ चुके हैं ना ही बताए थे आयरलैंड गुड मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ठीक है तो निर्वाचन कहां से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन ये लिया गया है आयरलैंड से क्लियर है चलिए तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है आगे चलिए जर्मनी जर्मनी से हमने क्या लिया है हम्म नहीं अपात तो उपबंध नहीं हनोनयन हाँ? का मतलब देखिए एक होता है निर्वाचन निर्वाचन मतलब कि वोट देकर चुना जाता है अब मनोनयन होता है कि वोट वोट नहीं होगा बस नाम हो गया कि इस आदमी को रखना है उस आदमी को रख लिया जाएगा मनोनयन में चुनाव नहीं होता है जैसे राज्यसभा में बड़ा लोग मनोनीत होते हैं किस कैसे तो साहित्य तो के क्षेत्र से कला के क्षेत्र से विज्ञान के क्षेत्र से समाज सेवा के क्षेत्र से तो जिसका समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है तो उस आदमी को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं राज्यसभा में उसका चुनाव नहीं होता है ठीक है सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य बने थे तो खेल के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था तो चुनाव थोड़े लड़े कहीं से राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत कर दिया तो इस प्रकार से होता है ठीक है मनोनयन का मतलब हुआ कि उसका चुनाव नहीं होगा और निर्वाचन का मतलब हुआ कि चुनाव होगा जनता वोट करेगी जनता वोट करे या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करे है ना जिसका चुनाव होता है उसको निर्वाचित कहते हैं जिसका बिना चुनाव हुए ही अगर संसद में चला गया तो राज्यसभा में ही जाएगा तो उसको कहेंगे मनोनयन ठीक है तो मनोनयन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है निर्वाचन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है ठीक है जर्मनी जो है इस जर्मनी से हमने क्या लिया है तो जर्मनी से आपात उपबंध हमने नहीं लिया है इस बात का ध्यान रखना है है ना? इमरजेंसी प्रोविजन नॉट टेकन फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी में बना जरूर था लेकिन हमने वहां से नहीं हमने भारत शासन अधिनियम उन्नीस से लिया जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी जब देश में आपातकाल चल रहा होगा उस समय जब देश में आपातकाल चल रहा उस समय आपके पास मूल अधिकार नहीं रहेगा तो ध्यान रखना है लिख लीजिए जर्मनी से हमने क्या लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन ठीक है नॉट इमरजेंसी प्रोसेस कुछ चुट भैया किताबों में लिखा रहता है कि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है बट ये गलत इंफॉर्मेशन है ठीक है एग्जाम में गलत हो जाएगा आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन आपातकाल के समय मूल अधिकार का अस्थगन। आपात काल के समय। आपको पता है जब आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार स्थगित हो जाता है ना बीस इक्कीस को छोड़ के बाकी सब खत्म हो जाते हैं है ना तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन ये हमने लिया है जर्मनी से ठीक है तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना जर्मनी से बस यही एक चीज लिया गया ओके जापान जापान से क्या लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रूल एस्टेब्लिस्ड बाई लॉ ध्यान रखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है ठीक है विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है ओके तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने बाहर के देशों से अपने संविधान में हमने शामिल किया ठीक है और बाकी तमाम चीजें हमने कहां से लिया है तो भारत शासन अधिनियम उन्नीस से लिया है है ना भारत शासन अधिनियम उन्नीस पैंतीस से बाकी तमाम चीजें हमने संविधान के अंदर में ली हुई है ठीक है चलिए तो ये सब आपके एक्सटर्नल सोर्सेस थे जो अलग अलग से यहां से इतना आपको याद रखना है ध्यान रखना है यहां से जो भी प्रश्न बनेंगे आपको आसानी से आप इसमें सॉल्व कर लीजिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है अब थोड़ा सा लिखेंगे भारत शासन अधिनियम उन्नीस जो कि आंतरिक स्रोत है भारत सरकार अधिनियम उन्नीस या भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ अब यहां पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है जी कि सीधे तौर पे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है तो सबसे ज्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है ठीक है भारत शासन अधिनियम उन्नीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज्यादा चीजें ली गई ओके अजय कुमार अपने पानी वानी सभी सब भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक है है ना तो भारत शासन अधिनियम उन्नीस से भारत के संविधान में लगभग दो तिहाई चीज लिया गया है ना अगर आपसे पूछा जाए कितना लिया गया है तो अप्रैक्समोटमेटली टू थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो तिहाई हिस्सा भारत के संविधान का दो तिहाई हिस्सा सीधे तौर पर कहां से लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम उन्नीस से लिया गया है भारत के संविधान का मूल अनुच्छेद जो तीन सौ पंचानवे है उसमें से लगभग ढाई सौ के प्रोक्स आर्टिकल जो है वो सीधे तौर पे यहीं से लिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना सारा चीज यहां से लिया गया है ठीक है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज जो आपको जान लेना है जो पूछा जाता का है एग्जाम में राज्यपाल का कार्यालय राज्यपाल का कार्यालय राज्यपाल का कार्यालय ऑफिस ऑफ द गवर्नर देखिए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से लिया है कनाडा से लिया है लेकिन राज्य में राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस से लिया है ठीक है ध्यान रखें ऑफिस क्या हाँ बिल्कुल वही होता है बिहार के राज्यपाल बिहार में बैठेंगे

पैंतीस लिया है ठीक है इसके अलावे इसके अलावे आप देखिए तो राज्यपाल का कार्यालय हमने लिया है लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग अब तो आपका भी एग्जाम अब आपका एग्जाम कौन लेता है जी बीपीएससी लेती है तो बीपीएससी क्या है लोक सेवा आयोग है है ना आ? हाँ ये राज्य लोक सेवा आयोग है बीपीएससी तो लोक सेवा आयोग हो गया इसमें राज्य लगा दीजिए संघ लगा दीजिए आपकी मर्जी ये तो ना जैसे आप कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहा है तो हो गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यही कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको जो पास करेगा वो आई बनेगा आईपीएस बनेगा आई बनेगा इसको जो पा, पास करेगा वो डीएसपी बनेगा एसडीएम बनेगा और अब शिक्षक भी बनेगा है ना तो ये अच्छी बात है है ना अब तो अपने अपने को भी एटीट्यूड में रहना है है ना आप लोगों को भी अपने, अपने कम नहीं करना है कोनो घुसे अगर स्कूल में में डांट के भगाना है है ना अभी एक, तो हम, अभी एक 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 मतलब हम कुछ पे वायरल वीडियो में देख भी रहा था बोला तो यार मैं ये अभी जब से ये एग्जाम आप लोग के हो रहे तब से मैं ये बात कह रहा था कि अब जब आप पढ़ लिख जाएंगे मतलब ये सब चीजें हो जाएंगी तो किसी का हिम्मत नहीं करेगा और रिसेंटली दो तीन दिन पहले मैं एक वायरल वीडियो देख रहा था कि कुछ ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स पहुंच गए थे कि स्कूल में और शिक्षक ने घुसने नहीं दिया बोला तुम तुम किस अथॉरिटी से आए भगा दिया उसको, है ना? बोला कि तुम बताओ, और लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि अच्छा घुस ये। ये गया स्कूल में सस्ता टीचर बैठे सबसे ज्यादा सम्मान शिक्षक का होना चाहिए सबसे ज्यादा सम्मान सबसे ज्यादा सम्मान का पात्र अगर कोई हो तो वो शिक्षक है समाज को तैयार करता है भविष्य का निर्माण करता अगर वो वहां पर मामला गबड़ा देगा तो सारा सिस्टम आपका क्रैश कर जाएगा पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा लेकिन हमारे देश में का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम शिक्षकों को उतना महत्व नहीं देते हैं है ना ना तो हम स्वयं में देते हैं और ना सरकार और संस्था उतना महत्व देने का प्रयास करती है ना सब जगह यही कंसेप्ट बना हुआ है कि कुछ नहीं है तो शिक्षक बन जाएंगे है ना कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाएंगे बी कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे लेकिन नहीं अब ये बदलेगा और अब ये बदल रहा है क्योंकि जब बीपीएससी जैसी संस्था आपका एग्जाम ले रही है तो बिल्कुल अब इसमें क्या दिक्कत है भाई है ना अब वही बीपीएससी पास करके कोई एसडीएम डीवाईएसपी बनेगा और कोई वही बीपीएससी पास करके शिक्षक बनेगा तो अब जो हमेशा कहता हूं कि अगर स्कूल कार्यालय के अंदर में एसडीएम साहब जांच करने आ जाए डीएम साहब जांच करने आ जाए तो कोई हड़बड़ाने या घबराने की बात नहीं है जो एग्जाम पास करके आप एसडीएम बने हैं वही एग्जाम पास करके हम शिक्षक बने हैं है तो इसलिए कोई डिफरेंसेस नहीं है है ना आइए बैठिए चाय पीजिए जांच करके जाइए है ना वो पहले वाला बात अब नहीं रहेगा तो ये गौरवपूर्ण बात है ये अच्छी बात है शिक्षकों के लिए और शिक्षक के करियर के लिए कि कि अब लोग देखेंगे कि ठीक ठाक सैलरी है घर के गांव के आसपास रहेंगे जिला में रहेंगे बढ़िया सैलरी मिलेगा तो और परमानेंट जॉब होगा तो लोग इस कैरियर के तरफ आकर्षित होंगे अब बचपन से ही पढ़ने वाला लड़का या लड़की ये सोचेगा कि भविष्य में जाके हम शिक्षक बनेंगे क्योंकि जॉब सिक्योरिटी रहेगी परमानेंट जॉब रहेगा है ना और अच्छी खासी सैलरी रहेगी तो इसमें कहीं को दिक्कत नहीं रहेगा तो ये एक मतलब अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा कि इतना सारा एग्जाम का जो बोझ विद्यार्थियों पर है ये नहीं होना चाहिए जब आप बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं तो ये क्या स्टेट और सीटेट टेट का लफड़ा लगा कर रखे हुए हैं भाई सीधे एग्जाम ले लीजिए सीधे बीपीएससी का एग्जाम कराइए जो पास करेगा उसको बना दीजिए

अगर आप बढ़िया से इसको कर दीजिएगा तो उनको भी पढ़ने का टाइम मिलेगा लेवल डेवलप करने का टाइम मिलेगा है ना यही सरकार को करना चाहिए मेरा तो मतलब सरकार से ही है कि भाई आप यही करें ये यह नहीं कि भाई पचहत्तर को दि... बिना मतलब का एग्जाम कराइए गलत तरीके से लोग पास भी हो जाते उस तरह एग्जाम में लेकिन बीपीएससी एग्जाम में नहीं पास करेंगे ना यहाँ पे तो आपको अपना मेरिट दिखाना पड़ेगा तो ये सबसे ज्यादा आपका इम्पैक्टफुल होगा और ये ज्यादा प्रभावकारी होगा है ना तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा ये है तो राज्यपाल का कार्यालय यहीं से लिया है लोक सेवा आयोग यहीं से लिया है लोक सेवा आयोग का मतलब ही है सिविल सर्विस कहा जाता है कि अंग्रेजों का जो भारतीयों को जो एक बेहतरीन जो सबसे खूबसूरत चीज जो उन्होंने हमें दिया वो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है लोक सेवा आयोग है ना जहां से बड़े बड़े अधिकारी जो है सो बनते हैं इस एग्जाम्स को पास करके इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजन आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोहिबिशन ठीक है इमरजेंसी प्रोहिबिशन है ना आपातकालीन प्रावधान तो आपातकालीन प्रावधान जो है ये कहां से लिया गया है यहीं से लिया गया है भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ से लिया गया है ठीक है इसके अलावे अब तो राज्य सूची और संघ सूची है ना स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट ठीक है इसके अलावे संघीय योजना फेडरल प्लान संघीय योजना इसके अलावे न्यायपालिका न्यायपालिका जुडिशरी ठीक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ली है जी नहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से नोट्सवा जो लिखे थे कल उसको जाके खोले थे घर में खोले थे ताकि वहाँ यहाँ लिखे बंद हुआ अब फिर यहीं पे खुला है बिजी शेड्यूल होगा कहीं आप लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा है ना कि एक, एक समस्या होती है एज ए स्टूडेंट है ना कि हम क्या करते हैं कि क्लास में पढ़ लिए बंद कर दिए और फिर अब इंतजार करते हैं कि जब क्लास लगेगी तो वो क्लास जब आएगा तब उसको खोलेंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे है ना इसी चक्कर में याद नहीं होता है उस चक्कर में आपका काम बढ़ते चला जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो चीज जिस दिन पढ़ लिया उस चीज को उसी दिन कंप्लीट कर लिया उस चीज को उसी दिन याद कर लिया लिख लिया प्रैक्टिस कर लिया कंप्लीट है ना इसको तो ज्यादा यह नहीं करने का ठीक है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है लेकिन न्यायपालिका लिया गया है भारत शासन अधिनियम उन्नीस से ठीक है ध्यान रखेंगे जुडिशरी यहीं से लिया गया ओके और जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी ये हमने अमेरिका से लिया है ठीक है तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो हमने अलग अलग देशों के संविधान से भारत के संविधान में लिए क्लियर है यहां तक में कोई दिक्कत कोई समस्या है ना चलिए तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी संविधान के स्रोत के संबंध ठीक है चलिए तो इस प्रकार से संविधान कैसे बना था कौन सी समितियां थी संविधान सभा ने क्या प्रमुख कार्य किए संविधान सभा के अंदर में कितनी महिलाएं सदस्य थी क्या खर्चा आया था संविधान की क्या मुख्यतः विशेषताएं थी वो सारी चीजों पे हम लोगों ने बात कर लिया ठीक है अब आगे बात करेंगे हम भारतीय संविधान के द्वारा जो स्थापित नाम सब है या भारत संविधान का जो भाग एक है वो क्या है और कैसे है ठीक है तो संविधान का भाग एक पार्ट वन पार्ट वन भाग एक भाग एक में आर्टिकल वन टू फाइव वन टू फाइव नहीं वन टू फोर एक से चार भाग एक में बस चार ही आर्टिकल है एक से लेकर के चार तक और इसका इसमें क्या आपको पढ़ना है तो यूनियन एंड यूटी है ना मतलब कि बेसिकली भाग एक में अनुच्छेद एक से लेकर के चार तक आपको पढ़ना है ठीक है जिसका विषय क्या है संघ और उसके प्रदेश इंडिया या यूनियन एंड देयर टेरिटरी ठीक है मतलब भारत संघ और उसके प्रदेश तो भारत है और इसके प्रदेश है उसी को यूटीज कहते हैं यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश तो भाग एक में मुख्य तौर पे आपको यही पढ़ना है ठीक है अब आप देखिए कि भाग एक के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई गई हैं संघ और उसके प्रदेश तो जो इंडिया है इंडियन यूनियन तो इंडिया और इसमें आपको 28 स्टेट स्टेट है ना और आठ यूटीज है है ना तो ये अट्ठाईस राज्य है और आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है और भारत के साथ ये सब मिले हुए हैं। तो इन्हीं सब के बारे में कि ये यूनियन कैसे बना है किस प्रकार से ये सब चीज हुआ है वो सब आपको इसमें पढ़ना है ठीक है कि क्या होता है और कैसे होता है और नहीं होता है ठीक है हाँ उन्तीसवा राज्य बहुत पहले बना था और वो खत्म भी हो गया वर्तमान में अट्ठाईस राज्य है उनतीस राज्य इसलिए हुआ था क्योंकि पहले अपने पास अट्ठाईस था लेकिन 2014 में तेलंगाना बना था तो तेलंगाना बनने से उन्तीस हो गया लेकिन दो में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो चूंकि इसीलिए राज्यों की संख्या फिर से घट गई है तो केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के वजह से राज्य फिर से आ गया है 28 ठीक है बताइए समझ में सब अपडेटेड है यहां पर ठीक है ना कोई आपको आउटडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा ठीक है और बता के ही निकलूंगा तो न्यूज पढ़ लेना है ना कि देश दुनिया में क्या चल रहा है अभी कल से बड़ी हंगामा चल रहा है पट्टी से हमास आतंकवादियों ने हमला कर दिया इसराइल पे है ना लगातार रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं वहां पे है ना तो अब इसका अभी देखिए एक झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ था रूस यूक्रेन का है ना तब तक एक दूसरा बड़ा झगड़ा जो है सो शुरू हो गया अब इसराइल चुप रहने वालों में से नहीं है है ना और भारत अभी इस पूरे मुद्दे पर इसराइल के साथ है है ना और ये होना भी चाहिए क्योंकि इसराइल हमारे साथ रहता है है ना तो इसलिए इस मुद्दे पर इसराइल को समर्थन करना बनता भी है हा? गाजा पट्टी जो है उसके पड़ोस में ही है मतलब इसराइल को जब आप मैप पे देखेंगे तो जराइल के पड़ोस में ही पड़ता है ठीक है और वहां से जो है वो बेसिकली क्या किया गया है तो वहां से आपको बम बरसाए गए है ना बम बरसाए गए हैं अब यहां पर मैं ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोग इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे और जो रजनी सर ये हमास के हमले को ठीक मान रहे थे कि ठीक हुआ हम हमने कहा नहीं ये ठीक नहीं हुआ है ना ये गलत हुआ है ना आतंकवादी गलत गलत है उसको किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता है है ना कुछ हमारे देश के ही कुछ मानसिक दिवालीपन के शिकार लोग कहते हैं कि नाथुराम गोट से ठीक किया गांधी को मार के तो क्या हम वैसे लोगों का समर्थन करेंगे क्यों करेंगे अगर गांधी मान लिया कि चलो किसी को गांधी से किसी मुद्दे पर मतभेद था कि गांधी ने यह काम ठीक नहीं किया तो ठीक नहीं किया तो बातचीत करोगे ना जी मारने का राइट तुमको किसने दे दिया कि तुम मार दोगे और मार दिए उसके बाद तुमको जस्टिफाई कौन करेगा है ना तो हमास आतंकवादी है कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि मतलब उसने मतलब हम उसके सपोर्ट में वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के कि उसने यरूशलेम और फिलिस्तीन के मामले में इसराइल का जो हस्तक्षेप है तो थोड़ी वहां पे दिक्कत हुई है इस वजह से हमास को सपोर्ट किया जा रहा है लेकिन ये सपोर्ट करने का तरीका नहीं है कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता है है ना कीचड़ को धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है है ना तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमास जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है एक आतंकवादी है हमास क्या है आतंकवादी संगठन फिर तो अगर हम आज हमास का समर्थन करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें भी कहेगी कि हम आतंकवाद का विरोध क्यों करते हैं फिर पाकिस्तान जो हमारे यहाँ बम गिराता है या भजवाता है वो गलत नहीं है फिर वो ठीक है अगर हम हमास को सही मानते हैं तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भी सही मानना पड़ेगा और अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को हम गलत मानते हैं तो हमास के द्वारा किए गए हमले को भी हमें गलत मानना होगा क्योंकि गलत गलत होता है गलत को किसी भी तर्क या कुतर्क से हम सही प्रूव नहीं नहीं कर सकते है ना खैर तो से चार संघ उसके प्रदेश है ठीक तो है, है आर्टिकल एक क्या कहता है बस इतना ही बात कहता है अब इस पूरे आर्टिकल एक पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है देश के अंदर में हुँ? इसमें दो बातें हैं आर्टिकल एक में इसमें लिखा हुआ है इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ होगा राज्यों का संघ होगा इंडिया दैट इज भारत इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट ठीक है, इंडिया दैट इज भारत यूनिफ स्टेट भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा यही लिखा हुआ है तो इसका अब देखिए अभी विवाद यह चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार जो है वो नाम बदलने पर लगी हुई है इंडिया वर्सेस भारत विवाद चल रहा है ना विदेश में एक विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया इंडिया नाम से है ना तो इंडिया नाम से इन्होंने एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन बन जाने के बाद से यह विवाद शुरू हो गया कि सरकार जो है वो इंडिया नाम को हटाना चाहती है और जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन अभी हुआ था रिसेंटली 9-10 सितंबर को दिल्ली में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में जो विदेशी अतिथि हमारे यहां आए थे उनको जो कार्ड भेजा गया था वहां पर लिखा यह नहीं लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंडिया नाम उसमें मेंशन नहीं था इसलिए ये बात चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान की भारत सरकार जो है ये इस इंडिया नाम को खत्म कर देना चाहती है और नाम बस यही रह जाएगा भारत है ना क्योंकि भारत हमारे कल्चर की आइडेंटिटी है और इंडिया जो नाम है ये ब्रिटिशर्स का देन है ना तो ये कहीं ना कहीं हमारे गुलामी का प्रतीक लगता है तो इसलिए इसको हटाने की बातचीत चल रही है वो अलग मुद्दा है फिलहाल आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है तो इंडिया मतलब है।, एक, एक तो तो का का मतलब है इसका मतलब हुआ कि भारत के संविधान में भारत के लिए दो ऑफिशियल नाम लिखे गए हैं यहां से नाम का जानकारी मिलता है कि भारत के संविधान में भारत के लिए दो नाम लिखे गए हैं कौन कौन से भारत अथवा इंडिया या तो आप भारत कहिए या फिर आप इंडिया कहिए बात एक ही है ठीक है तो भारत अथवा इंडिया ये नाम का मामला है इंडिया इट्स कंप्लीटली कनेक्टेड विद द विदोनिकल सिस्टम ये जब भारत कॉलोनी में था यानी कि उपनिवेश था अंग्रेज का जब हम उपनिवेश थे तो अंग्रेजों ने यह नाम हमें दिया ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जितने भी कानून बन के आए सबके अंदर उन्होंने इंडिया नाम रखा तो इंडिया एक प्रकार से भारत का ऑफिशियल आइडेंटिटी बन गया था जैसे आप देखते आप सब का तो हो सबका कम कम से दो गो नाम तो होगा जी एक घर का नाम जो घर के लोग प्यार से बुलाते होंगे है है ना एक होता आपका आपका ऑफिशियल नेम जो आपका सर्टिफिकेट के अंदर में होगा है ना जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा एक आध दूगो नाम तो और वो होता है गांव का लोग बना देता है जो जैसा कोई काला है तो कलुआ है ना है ना उसको कुछ नहीं उसको कलुआ नाम पड़ जाएगा जीना कोई नाटा है तो उसको बौना है ना वो बौना कह देगा है ना कोई मतलब जो भी उसका फीचर है उसकी कुछ विशेषता है तो विशेषता के आधार पर गांव का लोग नामकरण कर देता है तो ऐसे दो तीन गो नाम रहता है तो ऐसे हम लोग के भारत का भी बहुत सारा नाम है जी है ना भारत है इंडिया है आर्यावर्त है भरतखंडे आर्यावर्त है, है ना ये सब हाँ हिंदुस्तान है ना तमाम तरह के नाम जम्बू द्वीप है ये सब भारत के अलग अलग नाम है लेकिन संविधान में दो ही नाम का चर्चा है एक इंडिया और एक भारत भारत नाम क्यों पड़ा जी भारत का नाम भारत इंडिया तो समझ रहे हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया उन्होंने वो एक्ट बना के भेजे वजह से इंडिया पड़ गया भारत नाम क्यों पड़ा किसका नाम पर? बिल्कुल गुड राजा भरत है ना जिनकी हाँ माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम दुष्यंत था है ना तो शकुंतला और दुष्यंत के सुपुत्र महाराजा भरत जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत वीर थे बचपन में ही शेर का दांत गिन देते थे है ना इतना वीरता था उनके अंदर तो ये भारत की संस्कृति के तौर पे उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा तो भारत नाम भारत की संस्कृति का प्रतीक और इंडिया नाम भारत के कॉलोनी का प्रतीक है इसीलिए इसको हटाना जरूरी है हटाने में कोई दिक्कत नहीं है ना अगर निष्पक्ष होकर सोचे तो बिल्कुल इंडिया नाम नहीं होना चाहिए क्यों होना चाहिए इंडिया नाम जहां से हमारे गुलामी का बू आता हो जहां से गुलामी का दुर्गंध आता हो उसको हम क्यों रखेंगे इसका हमारे कल्चर से कोई रिलेशन नहीं है है ना और भारत ये हमारा गर्व है अना? तो इसलिए भारत नाम होने में कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा आप देखिए तो सेल्बियन स्टेट अब ये मामला देखिए ये तो समझ गए कि ये तो केवल नाम का मामला है ये आपको नाम के बारे में जानकारी देता है ये नेम के बारे में बताता है और ये भारत का नेचर के बारे में बताता है भारत की प्रकृति के बारे में बताता है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी तो भारत की प्रकृति कैसी है भाई तो राज्यों का संघ होगा सेल्बीन यूनिफ स्टेट तो यूनियन का मतलब तो आपको पहले क्लास में बता दिए थे हम का मतलब क्या है जो कभी ना टूटे है ना सात जन्मों तक का बंधन है सात का ये अनंत जन्म तक का बंधन है जी है ना शादी विवाह से भी तगड़ा बंधन है अब आजकल तो शादी टूट रहा है जी, है जी ना अब तो तलाक का प्रचलन बढ़ गया ज्यादा है ना पहले हम लोग सुनते थे तलाक कभी फिल्मों में देखते थे कि तलाक होता है आज समाज में हो रहा है तलाक है ना अगल बगल में सुनते हैं कि यहाँ मामला गबड़ा गए है ना तो, तो <laughs> तो मामला मामला ही सब मामलाता कैसे है जी कल ही बताया था ना कि अभी दिक्कत क्या है कि लोग केवल अधिकार समझ रहे हैं कर्तव्य भूलते जा रहे हैं अधिकार और कर्तव्यों को मिला करके अगर कर आदमी चलेगा तो संबंध नहीं टूटेगा ज्यादातर है ना लेकिन और कभी कभी ये देखिए तलाक निगेटिव चीज पो, है पॉजिटिव चीज है तलाक निगेटिव नहीं तलाक पॉजिटिव चीज अच्छी चीज है सकारात्मक चीज है लेकिन कब समझिएगा ये क्या ये तो कि पढ़ने के बाद आपको चीजों को अपने मेंटल लेवल को ठीक करना तलाक क्यों दिया गया है तलाक का विकल्प कि अगर आप जीवन आपको जीने के लिए मिला है लेकिन आप किसी के साथ हैं और आपको अपना जन जीवन नरक लग रहा है आपको लग रहा है कि बार मतलब ये क्या है अपराध बोध हो रहा है कि भगवान ने क्यों हमको धरती पर भेजा अगर ऐसा ही जीवन देना था तो किसी के साथ रह करके अगर आपको इस प्रकार का फीलिंग आ रहा है तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है आपका मूल अधिकार है कि आप उससे अलग हो जाए क्योंकि जीवन नरक बनाने के लिए भगवान ने थोड़ी ना आपको भेजा है लेकिन हाँ ये कब जब ऐसा लगे तब जब ऐसा हो तब ई नहीं कि अधिकार मिल गया इतना तो कोई बात हो गया छोटा मोटा हम थोड़ा तलाक दे ये कोई बात हुआ? ये खेल है ये खेले होता था ना एक समाज के अंदर में ट्रिपुल तलाक आउट फ्रॉम माई हाउस है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि है, 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 गलत है, ये ठीक नहीं है, उसको invalid कर दिया गया कि कि नहीं, क्योंकि तलाक में दिक्कत ये था कि ये था था, केवल पुरुषों के पास था, महिलाओं के पास तो था ही नहीं मतलब महिला अगर कहती कि तलाक, तलाक 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 तो नहीं होता तलाक लेकिन पुरुष अगर कह दिया कि वन टू थ्री माई गेट आउट फ्रॉम माई हाउस तो उसी समय गेट आउट हो जाना पड़ता था है ना इस प्रकार की दिक्कतें थी तो ये इसके लिए नहीं है ये इसके लिए है ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये आपको एक अवसर देता है एक बार फिर से अपने जीवन को ठीक तरीके से चलाने का ठीक तरीके से शुरू करने का वहां पर ये पॉजिटिव है लेकिन अगर कोई जान बुझ के इसका गलत इस्तेमाल करता है तो वहां पर ये निगेटिव हो जाता है है ना लेकिन ये कंसेप्ट निगेटिव नहीं है कंसेप्ट पॉजिटिव है ताकि व्यक्ति की रक्षा हो सके रक्षा के लिए आया है कोई भी कानून या कोई भी चीज आता है वो रक्षा के लिए आता है उसका कहीं से भी उद्देश्य नहीं होता है कि किसी को उसमें जकड़ करके उसका शोषण किया जाए शोषण के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता देने के लिए अधिकार आपको दिए जाते तो यहां पर जो है सेल्बी यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि भारत कभी भी टूटेगा नहीं 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर में यह बढ़ सकता है यह घटेगा नहीं घटेगा नहीं मतलब क्या कि यहां से कोई अलग होके नहीं जा सकता है घटेगा नहीं मतलब जैसे पहले उन्तीस राज्य था अभी अट्ठाईस हो गया तो ये तो घट गया लेकिन घट गया तो थोड़ा ना घटा है जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसको कूट के धर के के धर पीट पाट संघ शासित प्रदेश बना दिए जैसे घर का कोई बच्चा है वो बगध गया है ना बदमाश हो गया है ना और वो एकदम स्वतंत्रता पूर्वक कुछ कर रहा है और माता पिता के प्रतिष्ठा को लगातार हानि पहुंचा रहा है तो माता पिता उसको सोचेगा कि हम माता पिता से अलग हो जाए तो अलग होने वाला बात नहीं है माता पिता तो उसको धर के लाएंगे अब बढ़िया से घर में धर के उसको थूरेंगे थोड़ा समझते हैं ना बढ़िया से उसका पिटाई करेंगे अब पिटाई करके कोठरी में बंद कर देंगे चल अब तो भाग के देखा तो करता है भारत ऐसा ही है अगर कोई बगदेगा अगर कोई बहुत बदमाशी करेगा और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं कि हम अलग हो जाएंगे नहीं अलग होने का विकल्प नहीं है अलग होने का विकल्प ही नहीं है होता है ना जी हम लोग घर परिवार देखते ना फड़का हो जाता है सब पता है ना यही अलग होने वाला बीमारी कब लगता है जी शादी के बाद है आफ्टर दिस मैरिज के माता पिता कितना मतलब भाव से कितना ये सोच रहे हैं हमको अपना बच्चा का अपना बेटा का शादी करना है ना शादी करने के लिए धूमधाम से बेचारे खर्च करते हैं है ना बहु आएगी खुशी का माहौल होता है खुशी का माहौल ज्यादा दिन तक चलता नहीं है जी है ना दो चार दस महीना साल भर डेढ़ साल दो साल चल गया समझिए बहुत चल गया है ना उसके बाद तुरंत क्या होता है जिनको माता पिता ने बहुत सम्मान आदर के साथ लाया था बहुत खर्चा करके लाया था अब वही लोग क्या होते हैं अलग हो जाते हैं ये एक भारतीय समाज की वर्तमान की समस्या देखने को मिल रही है लगभग हर फैमिली के अंदर यह चल रहा है जी एवरीवेयर है ना न्यूक्लियर फैमिली का डेवलपमेंट पहले हमारा क्या था हमारा संयुक्त परिवार होता था है ना कंबाइंड फैमिली होती थी माता पिता दादा दादी भाई बहन चाचा चाची ये सब लोग होते थे एक परिवार के अंदर में है ना संगठित परिवार होता था लेकिन आज क्या हो गया है आज बस से हो गया है हम दो हमारे दो है ना है ना था था। क्या होता है ऐसा लगता है देखे, 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 मैं आपको बताता हूं इसमें, इसमें दिक्कत क्या है और लड़की के स्तर पे भी है दोनों समझ नहीं पाते हैं दोनों को थोड़ी अगर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक तरीके से डेवलप कर ले तो ये नौबत ही ना आए दिक्कत अगर देखिए मैं अगर आपको प्रैक्टिकली समझाऊं इस हमारे समाज की पारिवारिक समस्या का के संदर्भ में एक फैमिली है मान लीजिए ए बी की यानी कि ये माता पिता है ठीक है इनका एक बच्चा है सी और मतलब बेटा है सी और एक बेटी है डी एक ही साथ ये दोनों का विवाह करते हैं है ना सी बेटा का विवाह कर लिया यहां पर इसकी आपको ई नाम की पत्नी आ गई है ना डी का शादी कर दिया बेटी का इसका एफ नाम का एक दामाद आ गया है ना मतलब शादी होगी अलग परिवार में चली गई अब ये बी जो माँ है कि शादी के बाद अपने बेटी को फोन करती उससे पूछती है कि क्या हाल है घर परिवार तुम्हारा कैसा चल रहा है बेटी करी कि बहुत अच्छा है और मतलब जो लड़का आपने खोज के दिया वो तो हीरा है मेरा ही बात सुनता है हमने कहा है कि हमें कल चलना है घूमने हनीमून बनाने का अपना अपना थिंक है हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं हम लोग मनाली जा रहे हैं हम लोग कश्मीर जा रहे हैं और ये रेडी हो गया और मजे की बात इनके माता पिता भी रेडी हो गए अब माँ प्रसन्न है कि लड़की को बहुत अच्छे घर में ब्याह दिया लड़की खुश है दामाद अपने मन का मिल गया है ना यहां पे मां बहुत खुश है यहां ई पत्नी बन के आई है बहू बन के आई है अब इधर ई भी कहती है सी को कि भाई तो बहन जा लोग घूमेला हमरू चलो हम भी लोग घूम के आते हैं ई भी कहती है सी को कि भाई चलो हम भी चलते हैं घूमने सी कहता है ठीक है चलो घूम के आते हैं क्या दिक्कत है है ना ये प्रपोजल लेके इधर बी अपनी माँ के पास जाता है मां कहती है अभी दो दिन अला नहीं हुआ घूमने जाओगे वही अपनी बेटी जा रही है घूमने तो मां को बहुत अच्छा लग रहा है यहां बहू कह रही है कि हम जाएंगे घूमे तो मां को लग रहा है कि ले ये तो बहू आते आते बेटा का मती मार ली ये दिक्कत है यहां पर नहीं लग रहा है कि अपन बेटिया मती मर लो अपनी लड़की यहां पर कांड कर गई ना वो नहीं दिख रहा यहां पे किसी और की बेटी है उसने गड़बड़ कर दिया गड़बड़ क्या कर दिया अपनी इच्छा व्यक्त की लड़के ने मान लिया क्योंकि वो समझ रहा है कि भाई अब तो हमारे लिए ही आई है ना ये तो मानना स्वीकार करना पड़ेगा कोई भी लड़की अपना पूरा परिवार छोड़ करके जब दूसरे घर में जाती है तो वहां उस दायित्व तो बढ़ जाता है है ना कि भाई उस परिवार का कि भाई उसको संभाले क्योंकि आप समझ सकते हैं मतलब कि बचपन जहां कहीं बीता हो और उस बचपन को छोड़ करके एकदम युवा अवस्था में अचानक से आप एक ऐसे फैमिली के बीच में चले जाते हैं जहां पर कि आपको मतलब किसी प्रकार से कोई ये नहीं है है ना ऐसे फैमिली के अंदर में आप चल जाते हैं हेलो ठीक है हम अभी क्लास में है क्लास निकल के बात कर लेते हैं तो इस प्रकार की स्थितियां जो है सो बन जाती हैं है ना तो कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि यहां पर यह निर्णय मैं को सही लग रहा है आ यहां पर यह निर्णय मां को गलत लग रहा है दिक्कत क्या है कि यहां मां इसको अब तो अपना बेटी मानती बेटी है ही इसको बेटी के तौर पे स्वीकार नहीं कर रही है। अगर इसको बेटी के तौर पे स्वीकार कर ले तो मामला होगा ही नहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा क्योंकि मां अपनी बेटी की बहुत सारी गलतियां इग्नोर कर लेती है बहुत सारी गलतियां छिपा लेती है इसलिए मां बेटी का संबंध अटूट रहता है ना मतलब मां बेटी का संबंध कभी खराब नहीं होता क्यों क्योंकि बेटी को पता है कि माँ ही एक ऐसी है जो मेरी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकती है स्वीकार कर सकती है छुपा सकती है तो यहां माँ इसको बहु मान रही है अगर ये इसको यहीं पर अपनी बेटी मान ले तो मामला यहीं पर खत्म हो जाए झगड़ा होगा ही नहीं गलती कर दिया है कुछ भी कर दिया घूमने जा रही जाए घूमने क्या दिक्कत है तो झगड़ा नहीं होगा अब देखिए तो मां का स्थिति है अब बहू का समझिए ऐसा नहीं कि माँ ही गलत होती है यहां पर क्या स्थिति है कि ये जो है ये जो है ये मां के साथ का संबंध ऐसा है कि इसको मां अगर डांट भी देगी फटकार भी देगी तो किसी से कहने नहीं जाएगी कि इसकी मां है तो कि मां है मां डांट दी बोल दी गलती पे टोक दी तो क्या दिक्कत है साइकोलॉजी बना हुआ है कि मां बोल दी तो क्या हो गया मां है किसी से बोलना चाहिए किसी से शिकायत नहीं करेगी मेरी मां ने हमको डांटा है लेकिन यहां इसको थोड़ा सा किसी बात पर अगर मां ने कर कुछ बोल दिया तो ये भी इनको अपनी मां मानने के लिए तैयार नहीं है ना इनको सास मानने के लिए तैयार है ऐसी स्थिति में इनका छोटा सा छोटा कोई बात भी इसको इतना बुरा है, है अलग रहला है तो माई के बात बहुत गड़ लो, है ना अब बोलिए अपनी मां का बात अच्छा लगता है लड़के की माँ की बात कुछ कह दी तो बुरा लग गया तो दोनों के स्तर पर समस्याए अगर दूसरे के घर आने वाली बहू उस घर में लड़के की जो मां उसकी अपनी मां के तौर पर स्वीकार कर ले मां बेटी के तौर पर स्वीकार कर ले तो समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा लेकिन दिक्कत यह है कि मां सास वाले कैरेक्टर से निकलना नहीं चाहती है और बहू अपने बहू वाले कैरेक्टर से निकलना नहीं चाहती है दोनों अगर अपना वो कैरेक्टर छोड़ करके अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाए वो जाने कि हमारी एक बेटी गई है तो दूसरी बेटी आ गई अब हमारे पास है ना वो भी मान ले कि हमारी एक माँ छुट्टी तो दूसरी माँ मुझे प्राप्त हो गई तो ऐसी स्थिति में मामला सब क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा इसमें बेचारा पिस्ता कौन है जी लड़का वो उसके साथ दिक्कत यह है कि एक पत्नी है जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके भरोसे आई है और एक माँ है जिसने अपना जीवन का सारा अरमान उसके ऊपर उड़ा दिया है अब दोनों ही त्यागी आज दोनों त्यागी के बीच में एक बेचारा लड़का अब जाए तो किस पक्ष में जाए मां के पक्ष में गया तो इधर ही कहेगी कि हम जान रहे हैं तुम्हारा शोषण करने भी किया अपना घर है ना इधर इसके पक्ष में आया तो मां कहेगी कि देख लो शादी होते बदल गया तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो वो किस पर्सनालिटी में जाए भाई वो क्या करे वो किसका पक्ष ले है ना ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है सो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हो जाता है खैर तो यहां पर लेकिन क्या है कि अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे तो अलग होने का विकल्प नहीं है और हमारे देश क्या इसी प्रकार से कंसेप्ट बना हुआ है कि भारत कभी भी टूट नहीं सकता है कोई भी चाहे कि हम इससे अलग हो जाए तो अलग नहीं हो सकता है चाहे आप कितना भी हाथ पर मार लीजिए कुछ भी कर लीजिए अलग होने का विकल्प ही नहीं है और देखिए किसी भी देश का संविधान डॉक्टर सुभाष कश्यप कहते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की आंतरिक परिस्थितियों का उपज होता है तो ऐसा हमारा संविधान क्यों बना इसलिए बना क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था उसी समय हमारे देश का विभाजन हो रहा था पाकिस्तान बना था तो पार्टीशन को हमने देखा था इसलिए हम नहीं चाहते थे हमने देखा था कि जब बंटवारा होता है तो कितना दुख होता है कितना दर्द झेलना पड़ता है आदमी को बंटवारा होता है तो कौन सा परिवार बंटवारा करके खुश रहता है जी कोई खुश रहता है क्या कोई खुश नहीं रहता है सबको वो सताता है कि भाई वो पहले का स्नेह प्यार ममता जो है वो खत्म हो जाता है है ना तो जब भारत का भी जब विभाजन हुआ था तो सब लोग पहले साथ ही रहते थे अलग हुए तो कितना दंगा हुआ कितने लोग मरे तो भारत विभाजन किस दुख को झेल चुका था तो जो आदमी जो दुख झेल लेता है ना वो नहीं चाहता है कि दुख फिर उसको झेलना पड़े इसलिए संविधान ही ऐसा बना दिया गया कि अब तो हो गया आगे कभी भी भारत का बंटवारा नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए भारत सरकार को भारत के संसद के पास इतना पावर दिया गया है कि भारत का संसद इसको कंट्रोल कर लेगा अगर कोई भी ज्यादा बग देगा ना कि हमको अलग होना है तो मारपीट करके उसको संघ शासित प्रदेश बना देंगे कश्मीर रहा था कि हम अलग बने जाएंगे तो उसको बना दिया ना यूनियन टेरिटरी हो गया बात खत्म तो इसलिए इसका मतलब है कि भारत कभी टूट नहीं सकता है क्लियर है आर्टिकल एक का मतलब समझ रहे हैं भारत प्रथम तो इंडिया राज्यों का संघ इसका मतलब है ये नाम बता रहा है और ये प्रकृति बता रहा है क्लियर है तो यहां तक मैं इसको आपको ध्यान रखना है चलिए आर्टिकल दो आर्टिकल दो क्या कहता है जी नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन 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 तो नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन का क्या मतलब है देखिए ये संसद के पास ये शक्ति है बहुत खतरनाक आर्टिकल है जी है ना आर्टिकल दो पावर देता है संसद को कि नया किसी राज्य को भारत संघ में शामिल कर लीजिए नया किसी राज्य से क्या तत्पर्य है जी जो भारत संघ से बाहर है यानी यही वाला आर्टिकल वा जिससे पाकिस्तान डरता है जिस दिन इस दू का प्रयोग हुआ ना

तो भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि अभी तो भारत कमजोर है लेकिन भविष्य में जब भारत ताकतवर होगा तो उसको एक आर्टिकल दे दिए नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन कि भारत 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 के के संसद के पास अधिकार है 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 अगर भारत है, भारत है, तो अगर ताकतवर शक्तिशाली तो को लगता है कि हम बाहरी देश पर कब्जा कर सकते हैं तो कर सकता है इसको असंवैधानिक नहीं कहा जाएगा जी क्योंकि भारत के संविधान में प्रावधान है नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन तभी पाकिस्तान अलग है जिस दिन मूड बदला मोदी जी का अमित शाह जी का है ना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों राहु के तो कहा जा रहा है जी ये लोग का मूड कब बदल जाएगा कौन जानता है प्रधानमंत्री फोन करते कहा जी इसका उपाय किया जाए बोले कर दिया जाए सुबह पेपर पढ़िए कांड हो गया है है ना तो कभी कांड कर दे को नहीं जानता है तो आर्टिक आड... नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन इसके माध्यम से आप समझिए कि इसका प्रयोग किस पे होगा भारत संघ में जो राज्य नहीं है उसको शामिल करने के लिए जैसे चाइना भारत में नहीं है आपका पाकिस्तान भारत में नहीं है नेपाल भारत में नहीं है भूटान भारत में नहीं है बांग्लादेश भारत में नहीं है या कोई भी अमेरिका भारत में नहीं है है ना हालांकि लेकिन वो तो तो बहुत ताकतवर है 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 जी अभी ना तो, लेकिन जो आसपास का अपना सब वो लोग से तो हम लोग ताकतवर है ना है आई पाकिस्तान हम लोग को सिखाता है है ना तो जिस दिन मूड बिगड़ेगा कब्जा हो जाएगा है ना और कब्जा करने का अधिकार संविधान दिए हुए नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन तो नया राज्य कहीं से पैदा करेंगे खेत में नहीं ना कोई बना हुआ राज्य उसी को ना लेके आएंगे जी तो जो बना हुआ उसको लेके आएंगे तो नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन का मतलब यह है कि भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर के किसी राज्य को यदि भारत की संसद समझती है कि इसको अपने में शामिल कर लेना चाहिए तो कर लेगी अभी तक आर्टिकल दो का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ जी, किसी राज्य पर सिक्किम पर हुआ है सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था सिक्किम स्वतंत्र राज्य था वो अपना अलग उसका वंश का का शासन शासन था था राजतंत्र में चलता सिक्किम लेकिन सिक्किम को भारत सरकार ने कब्जा कर लिया इसी आर्टिकल के तहत हालांकि सिक्किम को कब्जा किया गया सिक्किम के कहने पर ही सिक्किम खुद चाहता था कि हम भारत में शामिल हो जाए तो सिक्किम को हमने शामिल करा लिया तो भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर के अगर किसी देश को हमें शामिल कराना है तो आर्टिकल दो के तहत कराएंगे तो दो के तहत सिक्किम को हमने करा लिया कब 1975 में हाइनटीन 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ठीक है तो आर्टिकल दो का प्रयोग किस पर होगा जी भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर अब देखिए अभी कश्मीर को

चलिएगा कि हमारा नाम का है वो है तीन बहुत खतरनाक एकदम संविधान बनाने वाले लोग बहुत जबरदस्त दिमाग के थे है ना? ऐसा संविधान बनाया का प्रवेश हम कि अब राज्य आर्टिकल तीन आर्टिकल तीन क्या कहता है नाम में परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तन सीमा में परिवर्तन ले लेंगे किसी राज्य के नाम में सीमा में क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास सीमा में क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार ठीक है अब देखिए तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई राज्य जो भारत में है उसका भारत का संसद चाहेगा ना तो नाम बदल देगा उसका क्षेत्र बदल देगा उसका सीमा बदल देगा या एक राज्य है उस राज्य में से एक हिस्सा निकाला दूसरे राज्य में से हिस्सा निकाला और एक अलग राज्य बना देगा यह सब करने का अधिकार संसद के पास है नाम ही बदल देगा है ना तो जैसे कि अब दो कर है नए राज्यों का प्रवेश प्रवेशन तो इतना खतरनाक नहीं जितना कि तीन है जैसे मान लीजिए कि अब पाकिस्तान को हमने कब्जा कर लिया ठीक है पाकिस्तान को कब्जा कर लिया तो हो सकता है पाकिस्तान का कुछ आदमी सब होगा जो विरोध करेगा कि हम पाकिस्तान है हम अलग देश है भारत हम पर कब्जा कर रहा है है ना ये गलत है तो सबसे पहले जैसे ही दो का यूज यूज होगा ना दो का यूज करके उस पर तीन का यूज कर दिया जाएगा तुरंत दवाई के साथ एंटीबायोटिक है ना

अब पाकिस्तान के लोग को क्या कहना पड़ेगा कि देखिए वर्तमान में हम रामपुरवा हैं लेकिन पहले हम पाकिस्तान थे तो हम चाहते हैं कि हमारा साथ ही गलत हुआ है लोग कहेगा कि छोड़ ना भाई अब तुम्हारा तो नाम बदल गया तुम्हारा तो क्षेत्र बदल गया तुम्हारा तो मालिक बदल, तो बदल को हल्ला कर रहे हो भाई और इन लोगों को कमजोर करने का क्या हो सकता है उपाय तो देखिए सीमा में परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तन जैसे ही मान लीजिए पूरा पाकिस्तान आ गया भारत में ठीक है मोदी जी क्या करेंगे इसका और उपाय एक तो नाम बदल दिए हैं नाम बदल कह दें कि देखिए आधा पाकिस्तान जो है ये उत्तर प्रदेश के कंट्रोल में रहेगा इसको कंट्रोल करेगा यूपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामला गबरा जाएगा है ना आधा जो बच जाएगा इसको कहेंगे कि देखिए ये जो आधा बच गया ना ये दे दे रहे हैं असम को असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा आधा ये कंट्रोल करेंगे ये दोनों सबसे भारत का खतरनाक मुख्यमंत्री है ना हेमंत विश्वा शर्मा थोड़े कम प्रचलित थे लेकिन देखिएगा तो उनका काम योगी जी से ज्यादा खतरनाक रहता है है ना तो ये लोग अगर इसको संभालने लगा तब तो आधा पाकिस्तान का आदमी यूपी के कंट्रोल में आधा पाकिस्तान के आदमी असम के कंट्रोल में आज सेंटर पाकिस्तान मोदी जी अपने कंट्रोल में रख लेंगे कि हमारा कंट्रोल में रहेगा हम सीधे मतलब यूनियन टेरिटरी बना देंगे अब बोलिए अब ये लोग का विरोध करेगा कोई पाए विरोध करने का एक तो नाम बदल दिया क्षेत्र बदल दिया सीमा बदल दिया है ना एक होने का मौके ही नहीं है अब कि एक होके आप गठबंधन करके आ, उपाय करिए कि हम लोग अलग हो जाए इस प्रकार से हो सकता है इतना दिमाग लगा करके संविधान बना है कि कभी भी इसका उपयोग हो सकता है तो दो का प्रयोग होगा जो भारत संघ में नहीं है उस पर आ जब दो के तहत भारत संघ में आ गए तब तीन का प्रयोग हो जाएगा मैंने बहला फुसला के पहले ले, ले आइए चलो चॉकलेट खिलाएंगे चलो मूवी दिखाएंगे है ना जब आ गया तब नहीं कुछ और चल रहा है है ना तो वो हो जाएगा तो इस प्रकार से ये बना है अभी अब कश्मीर में क्या हुआ कश्मीर बहुत अलबला रहा था कह रहा था कि हमको अलग कर दीजिए तो उसको क्या कर दिया गया उसका नाम तो वही है लेकिन उसका क्षेत्र और उसकी स्थिति बदल दी गई अब वो राज्य ने वो केंद्र शासित प्रदेश है तो कैसे उसका क्षेत्र बदल दिया गया लद्दाख और कश्मीर बन गया है ना दो हिस्सा कर दिया गया उसका तो किस आर्टिकल के तहत हुआ होगा तीन के तहत है ना

आर्टिकल दो का बताया समझ में उसको तो यहां पे आपको ध्यान रखना है आगे है अब आर्टिकल चार कि क्या कहता है आर्टिकल चार आर्टिकल चार कहता है कि दो और तीन के तहत किया गया बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा ठीक है लिख लेंगे कि दो और तीन के तहत किया गया कोई भी बदलाव हा अनुच्छेद दो तीन अनुच्छेद दो और तीन के तहत किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा ठीक है हम्म हम्म नहीं 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 क्योंकि वो, वो तो राज्य के अंतर्गत हो रहा है ना किसी राज्य किसी राज्य का नाम थोड़ा ना बदला है वो तो एक राज्य अपने क्षेत्र के अंदर बदला है वो तो अपना राज्य का मुख्यमंत्री ही कर लेगा संसद को करने का जरूरत भी नहीं है वो है ना वो तीन के तहत नहीं हो रहा है हाँ वो अपने राज्य का अधिकार है राज्य कर राज्य अपने क्षेत्र के अंदर कोई बदल लेकिन राज्य का नाम अगर बदलना होगा तो यूपी का नाम बदलना होगा तब तीन का प्रयोग होगा ठीक है लेकिन यूपी के अंदर अगर किसी शहर का नाम बदल रहा है किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहा है तो वहां की सरकार कर सकती है इसके लिए आर्टिकल वार्टिकल यूज करने की कोई जरूरत नहीं ठीक है हाँ हा? बिल्कुल कि इसके मतलब ये इसके लिए संविधान का कोई जरूरत नहीं है संविधान का जरूरत तब पड़ेगा जब किसी राज्य का का ना, बिहार नाम बदलना हो है ना यूपी का नाम बदलना हो मध्य प्रदेश का नाम बदलना हो ठीक है तो राज्य का नाम अगर बदलना होगा क्या राज्य के नाम में परिवर्तन सीमा में परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तन अगर ये सब कुछ करना होगा तो उसके लिए आर्टिकल तीन का इस्तेमाल किया जाएगा और बाहर के किसी राज्य को भारत संघ में मिलाना है तो इसका प्रयोग किया जाएगा दो का प्रयोग किया जाएगा ओके तो दो और तीन के तहत किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा इसको आपको ध्यान रखना ठीक है यहां तक मेरे को दिक्कत कोई समस्या चलिए, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है आज के लिए बस इतना सब समझ में आया ना बात सब ओके